इस बार हमें काफी मस्त चीजें फ्री में भी देखने को मिलने वाली है। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पे हमें दो चूजेबल आउटफिट मिल सकते हैं जो कि पूरे प्रिंस पे बेस्ड एंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे आप सभी को एक कमाल की वेबसाइट फोरा बैट के बारे में बता दूं। दोस्तों आप घर पे बैठे वैसे भी बोर ही हो रहे होंगे एंड इस वेबसाइट के थ्रू आप आसान से गेम खेल के काफी सारी अमाउंट जीत सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक गेम को चूज करा और यहाँ पे मैं खेलता हूँ, जैसे मैं स्पिन पे क्लिक करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे नहीं भी जीत पाता तो सेकंड टाइम मेरा चांस बढ़ जाते हैं जीतने के। और जैसे सेकंड टाइम हम यहाँ पे जीत चुके हैं तो जीतने के बाद हम काफी सारी अमाउंट जीत जाते हैं। इसके बाद हम आसानी से इसको हमारे पेटीएम अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों देर किस लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी एक ड्रेस आ जाती है जिसका नाम हो जाता है कार्डबोर्ड किंग हेडगियर। और कार्डबोर्ड किंग हेडगियर हमारे के साथ साथ में हमें आउटफिट भी देखने को मिलती है एंड इसके शूज भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ में इसका एक पैराशूट भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे जहां तक का लीक्स आ रहे हैं, यहाँ पे एक तो राजा होने वाला है एंड एक रानी होने वाली, यानी किंग क्वीन होने वाली है दोनों। जिसी के साथ में हमें कैमल का ऑर्नामेंट भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ में हमें अदर आउटफिट्स भी देखने को मिल जाती है जिसके हमें हेडगियर भी देखने को मिलेंगे एंड आउटफिट्स भी देखने को मिलेंगे। सो मेरे को कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये वाला कंसेप्ट कैसा लगा, किंग एंड क्वीन वाला। मेरे को तो यार ये काफी ज्यादा अच्छा लगा, आउटफिट्स भी काफी ज्यादा अच्छी एंड वो चूजेबल जो हमें प्रिंस की राजा की आउटफिट देखने को मिलती है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक भी है। सो अगर ये वाला सिस्टम आता है राजा रानी वाला तो काफी मस्त सीजन हमारा हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ साथ में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक हेडगियर पुलिस का भी देखने को मिलता है, काफी कमाल की बात है। इसी के साथ साथ में यहाँ पे हमें मिस्टर फॉक्स हेडगियर भी देखने को मिलता है जिसकी बेसिकली नीचे पूंछ निकली हुई है, भाई मजाक है क्या। इसी के साथ साथ में हमें DP28 की स्किन यहाँ पे फिर से देखने को मिलेगी एंड मिस्टर फॉक्स सेट में हमें M762 की हमारी काफी कमाल की स्किन मिलेगी। एंड इतना ही नहीं भाई, यहाँ पे हमारी ओम की भी स्किन काफी ज्यादा ओपी हो जाती है, गोल्डन ट्रिगर M762। तो यार यहाँ पे काफी सारी स्किन्स आ जाती है हमारी। इतना ही नहीं, यहाँ पे हमारी PP19 बाइजन की स्किन है बट ये हमारी अपग्रेडेबल में आने वाली है। एंड इसी के साथ साथ में AKM की डेजर्ट फोसिल नाम से AKM हो जाती है, EMP नाम से हमारी UMP हो जाती है एंड काफी सारी अपग्रेडेबल स्किन लाएंगे पबजी को देखते हुए। S12K की भी स्किन है यहाँ पे, गोल्डन वाली M164A भी है और यहाँ पे फाइनली एक पैन की स्किन भी हमें देखने को मिल जाती है। एंड जो हमारी ये कुलकन फ्यूरी AK98 ये भी अपग्रेडेबल आएगी, अलग आएगी बट इसी के साथ साथ में हमें ब्लड वाली भी AKM मिलेगी और यहाँ पे पैन पिंक कलर का यार बिल्कुल लड़के जैसा है। एंड इसी के साथ साथ में काफी सारी न्यू स्किन्स भी हमें देखने को मिल जाती है जिसमें हमें VSS पैन यानी पबजी काफी ज्यादा स्किन्स एंड धमाल लाने वाला है हमारे सीजन 14 के अंदर। इसी के साथ साथ में हमें बोट की स्किन पे भी जोर दिया जाएगा एंड यहाँ पे फाइनली हमारी एक ग्रेनेड की स्किन होगी फ्रैग वाले की। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक क्रेट देखने को मिलने वाली है, बेसिकली इवेंट्स में आएगी आगे चल के क्योंकि फ्री में पबजी वाले अब काफी ज्यादा चीजें अवेल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इस क्रेट के अंदर भाई पूरा का पूरा लक हमारा डिपेंड करेगा क्योंकि इसके अंदर एक लीजेंडरी आउटफिट आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लिमिटेड और एक ही परमानेंट है। एंड इसी के साथ में इसकी टोपी भी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में एक और न्यू क्रेट आएगी जिसके अंदर पबजी का शायद किसी के साथ कोलैबोरेशन भी होने वाला जिसका नाम हो जाता है मैरी स्टर्गो सेट। और भाई ये वाला ड्रैगन वाला सेट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हमें देखने को मिल जाता है अगर अब हमारा लक भी अच्छा तो हम ये ले पाएंगे। इसके साथ में एक बॉक्स भी आने वाला है जो कि हम सभी रिडीम कर पाएंगे एंड ये वाली आउटफिट बेसिकली हम सभी को मिल जाएगी अगर हम वो वाला इवेंट भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यार इसकी कैप एंड ये वाली आउटफिट भी काफी ओपी है। इसके साथ में एक बॉक्स और आएगा जिसमें बेसिकली यूसी होगा एंड ये जहां तक मेरे को लग रहा है गूगल प्ले के ऑफिशियल में आया ये। एंड भाई गूगल प्ले में सिर्फ आपको एक ही चांस मिलेगा अगर आप लकी होते हैं तो यहाँ पे हमें 3000 यूसी भी देखने को मिल जाते हैं। एंड सीजन 14 में यहाँ पे हमें DIY यानी मेक योर ओन गन स्किन देखने को मिल जाता है, भाई क्या ही बोले अब। यानी फर्स्टली हम स्कारल पे भी ट्राई करते हैं तो यहाँ पे हमें काफी सारे बेसिकली ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर हम इसका फर्स्टली कलर भी चेंज कर पाएंगे, कलर चेंज करने के बाद हम इसका पैटर्न चेंज कर सकते हैं, पैटर्न चेंज करने के बाद हम इसके ऊपर बेसिकली स्टिकर्स भी लगा सकते हैं। स्टिकर्स लगाने के बाद यहाँ पे हमारा काफी जल्दी अपडेट आया जिसके अंदर हम एक्सटेंडेड मैग्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। तो यार क्या ही बोले, पबजी काफी ज्यादा चीजें न्यू लाने की कोशिश कर रहा है और भाई मेरे को पर्सनली ये वाली स्किन काफी मस्त लगी, रेड वाली येलो वाली जो इसके ऊपर स्टिकर है ना, अगर आपको भी पसंद आई हो तो मेरे को जरूर कमेंट में बताइएगा। एंड यहाँ पे हम इसके बाद कलर्स भी चॉइस कर
कर पाएंगे, यानी पैटर्न के हम कलर भी चॉइस कर पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी जैसे कि इन्होंने कहा DIY ही हो जाती है, यानी मेक योर ओन से ही मतलब इसका हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे बेसिकली 5 टिगर अभी देखने को मिल जाते हैं, एंड इन 5 टिगर में भी हम इसको ओपन कर पाएंगे। इसी के साथ साथ में यहाँ पे कुछ एरो साइंस वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, एरो साइंस को भी हम स्किन के ऊपर ही लगा पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा मस्त चीज लगी मेरे को। सो इसके बाद इसी के साथ साथ में हमें SK12 की भी मॉडिफाइड स्किन देखने को मिल जाती है, यानी भाई शॉटगन की भी स्किन्स ला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो यहाँ पे हमें स्कारल एंड SK12 से स्टार्ट होने वाला है, एंड इसी के साथ में जहाँ से मेरे को लग रहा है ये UC में नहीं, ये कुछ मटेरियल्स आएंगे, नए पेंट्स वगैरह आएंगे नए, जिससे हम इसको चेंज कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। और अगर हम पेंट्स का नाम ले तो वो पेंट कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई मेरे को SK12 की भी काफ़ी अच्छी लगी, बट यहाँ पे शॉटगन की स्किन क्या ही ला रही है। इसके साथ में सारी स्किन्स के स्टिकर्स भी अलग अलग होने वाले हैं, सबके परमानेंट मार्कर होने वाले। तो ये कुछ होने वाला है हमारा पेंट, सिर्फ इस पेंट से हम ग्रेड कर पाएंगे। इसी के साथ में ये स्पिन के अंदर आने वाली है, ये स्पिन हमारा परमानेंट रहने वाला है, आप कभी भी चाहो यहाँ पे कभी भी आके स्पिन्स वगैरह मार सकते हो, भाई क्या ही बोले। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी न्यू आउटफिट्स एंड स्किन एंड बैकपैक आने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हमें बाइजन की स्किन भी अपग्रेडेबल मिलेगी, जिसका अलग से किल इफेक्ट होगा, एंड इसी के साथ में हमें एक आउटफिट भी देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे को तो काफ़ी कुंकार सी लगी। एंड जहाँ तक मेरे को देखने पे ये लग रही है पूरी विंटर की होने वाली, क्योंकि सीजन 14 के आते आते यहाँ पे वेदर भी नॉर्मल सा ही हो जाने वाला है। तो ये कुछ लीजेंडरी आउटफिट हो जाती है, एंड इसी के साथ में इसका लीजेंडरी मास्क भी हो जाता है। बट यहाँ पे फर्स्टली इसकी यार यहाँ पे ऑर्नामेंट भी आने वाला है, जो कि एक कैमल का होने वाला है बेसिकली। बट इसका बैकपैक तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा, क्योंकि बैकपैक तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक भी हो जाता है, रियलिस्टिक के साथ में पूरा लेदर का लग रहा है। इसका नाम भी मास्टर ऑफ द लैंड सेट एंड मास्टर ऑफ द लैंड बैकपैक देखने को हमें मिल जाता है। इसके साथ में एक पुरानी बाइक दे दी गई है यहाँ पे हमें। तो बाइक की स्किन तो मेरे को ज़्यादा कुछ खास लगी नहीं, बट यहाँ पे आउटफिट तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगी मेरे को। एंड इसी के साथ में एपिक में हमें जो बहुत ही ज़्यादा पहले यहाँ पे एक सीज़न के अंदर हमारी आउटफिट आई थी, वो हमें फिर से दी जाने वाली है। और यहाँ पे इतना ही नहीं, ये बाइजन की क्रेट होगी, तो यहाँ पे मटेरियल एंड अपग्रेडेबल सिस्टम को कैसे भूल सकते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बाइजन की स्किन का क्लोजर लुक लेते हैं, जिसके अंदर हमें किल इफेक्ट तो काफ़ी मस्त देखने को मिलेगा। बट बाइजन मेरे ख्याल से तो पर्सनली ज़्यादा को यूज़ करता नहीं है, फर्स्टली मिल जाए तो ही थोड़ी देर तक ही यूज़ रहती है इसकी। सो किल मैसेज इसका कुछ ऐसा होने वाला है, सो काफ़ी अच्छी स्किन हो जाती है। बट यहाँ पे बाइजन की भी स्किन ला दिया इन्होंने। इसी के साथ में आगे बढ़ते, तो क्रेट्स के अंदर इस बार न्यू वॉइस सिस्टम आने वाले, यानी न्यू वॉइस सिस्टम का मतलब हो जाता है हमारा दोनों के दोनों मिथिक होंगे, और जो हमारा चैट्स होते हैं उसके अंदर जैसे ही हम लिखेंगे न्यू वॉइस आएगी। तो अब लक पे डिपेंड करते हैं ये मिलेगा या नहीं, बट यहाँ पे काफी ज्यादा मस्त हेलमेट की स्किन आ जाती है, और यहाँ पे इसका ही पूरा सेट हो जाता है, जिसके अंदर आउटफिट का नाम हो जाता है फॉर्च्यून टेलर। और भाई ये जो बैकपैक है ना, ये लिटरली यहाँ पे कलर बदलता है, जो मिक्की मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लेवल 2 का देखोगे तो वाइट कलर का हो जाता है, और ओम की स्किन को कैसे भूल सकते हैं, द पाल्म रेंडर ओम, भाई साहब कितनी गजब स्किन देखने को मिल जाती है पूरी गोल्डन कलर में। इसके साथ में यहाँ पे भी इसका भी एक कैमल वाले ही ऑर्नामेंट निकल के आ रहा है, बट यहाँ पे बहुत सारी आउटफिट्स और भी निकल के आ रही है। और भाई यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर गौर करोगे, तो हमें जो यहाँ पे KR वर्जन के अंदर कुछ मटेरियल देखने को मिलते हैं, जिससे हम क्रेट खोल सकते थे, जिसका नाम धन कास्तु कुछ होता था। बट यहाँ पे इस बार हमें शायद डायमंड्स देखने को मिलेंगे, या फिर जो हमारी न्यू AZ करेंसी आई है, सो वो देखने को मिलेगी, जिसका पक्का लिखा रहा है, जिससे हम क्रेट्स भी खोल पाएंगे एंड स्पिन्स आगे जाके फ्यूचर में कभी भी कर पाएंगे। सो ये वाली आउटफिट भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इस बार एपिक के अंदर भी इतनी ज़्यादा कमाल की आउटफिट देख रहे हैं PUBG, एंड इस बार मेल आउटफिट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे हमारी M762 की भी स्किन आ जाती है, एंड M762 तो यार मेरे को पर्सनली काफ़ी मस्त लगती है। M762 यार काफ़ी कम चलाने को मिलती थी पहले, बट अब सभी इसको पर्सनली में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ में हमें यहाँ पे पूरा का पूरा एक रोबोट टाइम स्टेल का सेट देखने को मिल जाता है, जो कि शायद पहले भी आया था एंड इस बार फिर से आने वाला है। यानी पबजी पहले पुरानी आउटफिट का स्टॉक क्लियर कर रहे हैं, क्या ही बताएं। इसी के साथ साथ में हमें यहाँ पे आउटफिट भी देखने को मिल जाती है, जिसका पैंट्स एंड जिसका यानी ऊपर का टॉप्स वगैरह अलग देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमें काफ़ी सारी न्यू चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, बट हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर हमें एक और न्यू वॉइस करेक्टर सिस्टम मिलता है, और ये शायद किटी से ही पूरा रिलेटेड होने वाला है, पपी लव हेलमेट, या ये डॉग से रिलेटेड होने वाला, जो डॉग के बच्चे होते हैं उससे। सो हमें यहाँ पे एक लीजेंडरी आउटफिट देखने को मिलती है, जो कि वॉर 3 टैप आई लीजेंडरी में होनी चाहिए, एंड इसके साथ साथ में बैकपैक भी देखने को मिल जाता है, जो कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में काफ़ी मस्त लगता है, एंड एक हेलमेट की स्किन भी। इसके साथ साथ में जो फोक सेट था वो एपिक होने वाला है,
ऑब्वियसली यहाँ पे उल्टा ही चलते है। एपिक सेट में काफी मस्त चीज दे दी है इन्होंने। इसी के साथ में एम7 62 की भी स्किन देखने को मिल जाती है। आई लव यहाँ पे इन्होंने परचेज बोनस वाली आउटफिट भी ऐड कर दिया है। आउटफिट के साथ साथ में ही उसकी गन स्किन भी बेसिकली यहाँ पे ऐड कर दी है। तो भाई समझ में नहीं आता क्या ही सिस्टम चलता है। इसके साथ साथ में यहाँ पे क्लास चेरी बैकपैक भी देखने को मिल जाता है और चेरी ब्लॉसम आउटफिट भी देखने को मिल जाती है। एंड ये बेसिकली क्लास वाली टीचर पे ही बेस्ड होने वाली। इसके साथ साथ में हमें और भी काफ़ी ज़्यादा आउटफिट देखने को मिल जाती है। एंड इन सारी चीज़ों से एक चीज़ मिला के पक्का हो जाती है, सीजन 14 हमारा काफ़ी ज़्यादा ही मस्त होने वाला है। और जैसे जैसे आगे आगे लीक्स आते जाएंगे आपका भाई भी आपके लिए दिखाता रहेगा। और आपको आज वाला सीजन कैसा लगा मेरे को जरूर बताएगा। एंड एट फर्स्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा।